हमारे ऋषि महर्षियों मनीषियों ने ईश्वर को सच्चिदानंद कहा है, सच्चिदानंद स्वरूप। तो मैं इस सच्चिदानंद स्वरूप का कुछ मतलब समझाने का प्रयास करूंगा। तो सत का मतलब होता है जगन्नाथपुरी, महाप्रभु भगवान जगन्नाथ, जहां सत्य की प्राप्ति होती है। फिर चित्त के लिए आप काशी विश्वनाथ चले जाइए, वहां जीवात्मा की मृत्यु होती है, उसका दाह संस्कार वो भस्मीभूत हो जाता है। उसके बाद उस निर्मल चित्त से आनंद प्राप्ति के लिए सीधा वृंदावन की ओर चले जाइए। उस परम धाम में आनंद ही आनंद है, परमानंद है। तो मीराबाई ने इसी भक्ति को समझाने का, आनंद को समझाने का प्रयास किया है। माई मोहे लागे वृंदावन नी को, निर्मल नीर बहे जमुना के भोजन दूध दही को, माई मोहे लागे वृंदावन नी को। माई मोहे लागे वृंदावननी को, 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 लागे वृंदावननी को, माई मोहे लागे वृंदावननी को, निर्मल नीर बहे जमुना को, निर्मल नीर, निर्मल नीर बहे जमुना को, निर्मल नीर, निर्मल नीर बहे जमुना को, निर्मल नीर बहे जमुना को, भोजन दूध दही को, माई मोहे लागे वृंदावन नी को, वृंदावन नी को, वृंदावन, माई मोहे लागे वृंदावन नी को, रतन सिंहासन आप विराजे, रतन सिंहासन आप विराजे, रतन सिंहासन आप विराजे।